अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डेली मसाइल की एक नई क्लिप के साथ आप हजरात की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज कुछ सवालात हैं, उनके जवाबात आपकी खिदमत में पेश करूँगा। पहला सवाल है, एक साहब सवाल करते हैं कि जिस तरह मर्दों के लिए वज़ू से पहले मिसवाक करना सुन्नत है, क्या औरतों के लिए भी मिसवाक करना सुन्नत है या नहीं? तो इसका जवाब यह है कि जिस तरह मर्दों के लिए वज़ू से पहले मिसवाक करना सुन्नत है, औरतों के लिए भी मिसवाक करना सुन्नत है। औरतों को भी चाहिए कि इस सुन्नत को ज़िंदा करें, घर में एक मिसवाक रख लें, जब भी आप नमाज के लिए वज़ू करना चाहें तो वज़ू से पहले मिसवाक कर लें, सुन्नत ज़िंदा हो जाएगी, 100 शहीदों का सवाब आपको भी अल्लाह तबारक व ताला अता करेंगे। दूसरा सवाल है, एक साहब पूछते हैं कि मिसवाक के लिए वही लकड़ी वाला मिसवाक होना ज़रूरी है, या मिसवाक की फजीलत हासिल करने के लिए कोई बंदा ब्रश और टूथपेस्ट से मिसवाक कर सकता है या नहीं कर सकता। यानी ये पूछना ये चाह रहे हैं कि अभी जो हम सुबह सुबह करते हैं ब्रश और दांतों का जो पेस्ट आता है, अगर कोई ब्रश और दांतों के पेस्ट से मुँह साफ कर ले तो मिसवाक करने की फजीलत उसको हासिल होगी या नहीं होगी? चूँकि दोनों का मकसद एक ही है, मिसवाक का मकसद भी यही है कि मुंह की सफाई हो जाए, और ब्रश से और पेस्ट से मुंह का साफ़ करना भी यही होता है कि मुंह की सफाई हो जाए। तो इसका जवाब यह है कि अगरचे बाज़ उलमा ये कहते हैं कि कोई ब्रश और पेस्ट से मुंह की सफाई करेगा तो उसे फिर भी मिसवाक का सवाब मिलेगा अगर वो मिसवाक की नीयत से करता है तो। लेकिन चूंकि हर नमाज के हर वज़ू से पहले मिसवाक करना सुन्नत है, और हर नमाज के हर वज़ू से पहले ब्रश और टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना ये ज़रा मुश्किल काम है, तो इसलिए मेरी तो राय यही है कि अगरचे के मिसवाक की नीयत से कोई ब्रश भी कर लेता है तो सवाब तो मिल जाएगा, लेकिन एक मिसवाक ज़रूर रखना चाहिए जिसके जो दरख्त की जड़ से जो मिसवाक बनता है या दरख्त की टहनी से जो मिसवाक बनता है उसका इस्तेमाल करें। इसलिए कि जो सुन्नत तरीक़ा है ना, मतलब जो दरख्त की जड़ से बनने वाला जो मिसवाक है, इस मिसवाक को करने से मुंह की सफाई के अलावा और भी बहुत से तिब्बी फ़ायदे हैं, तिब्बी फ़ायदे बहुत हैं। तो अगर कोई तिब्बी फ़वाइद हासिल करना चाहता है तो उस मिसवाक को इस्तेमाल कर लें, ये ज़्यादा बेहतर है। तीसरा सवाल है, एक साहब सवाल करते हैं, खाना खाने से वज़ू टूटता है या नहीं टूटता? यानी एक साहब पूछते हैं कि कोई बंदा वज़ू कर लिया, वज़ू के बाद खाना खा लिया तो उसका वज़ू रहा या टूट गया? बुज़ुर्गाने मोहतरम, खाना खाने से वज़ू नहीं टूटता। लोगों में कुछ गलतफहमियां ये भी हैं कि अगर कोई फल वगैरह खाता है तो नहीं टूटता, लेकिन अगर आग पर बनी हुई चीज़ कोई खाता है, मसलन खाना आग पर बनाया जाता है या आग पर बर्तन पर बनाया हुआ जो भी चीज़ है उसको खाने से वज़ू टूटता है, इस तरह बाद हजरात सोचते हैं, लेकिन इसकी कोई हकीकत नहीं है। चाहे आप आग पर बना हुआ खाओ या ज़मीन से उगा हुआ खाओ, दोनों सूरतों में वज़ू नहीं टूटता। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक साहब सवाल करते हैं, बरहना होने से वज़ू टूटता है या नहीं? यानी ये साहब ये पूछना चाहते हैं कि एक बंदा, गुज़श्ता वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर बंदा गुसल कर लेता है तो उसका ऑटोमेटिक खुद ब खुद वज़ू हो जाता है। अब गुसल करने के बाद गुसल खाने से बेडरूम में आया, कपड़े बदलना है, कपड़े अगर कोई बदल रहा है तो जाहिर सी बात है कि वह बरहना होकर ही बदलेगा, यानी अपने बदन से कपड़े उतारेगा। तो बाज़ लोग ये समझते हैं कि बरहना होने से, नंगा होने से वज़ू टूट जाता है। ऐसा कोई मसला नहीं है, अगर आप कपड़े चेंज करते हैं बरहना होकर ही करें तब भी आपके वज़ू को कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, वज़ू बाकी रहेगा। और एक साहब सवाल करते हैं कि वज़ू की हालत में कोई बीड़ी पी लिया या सिगरेट पी लिया या पान गुटखा खा लिया तो उसका वज़ू रहता है या नहीं रहता? तो अज़ीज़ दोस्तों, इसका जवाब भी यही है कि वज़ू की हालत में बीड़ी पीने से भी वज़ू नहीं टूटता, सिगरेट पीने से भी वज़ू नहीं टूटता, और इसी तरीके से गुटखा खाने से भी वज़ू नहीं टूटता। एक बात जहन में रख लें
बीड़ी पीना, सिगरेट पीना और गुटखा खाना मैं इसकी इजाज़त नहीं दे रहा, मैं मसला बयान कर रहा हूँ। वरना तो आप कहेंगे कि मौलाना बीड़ी पीने की और गुटखा खाने की खुद इजाज़त दे रहे हैं। मैं मसला बयान कर रहा हूँ कि अगर कोई वज़ू की हालत में इन चीज़ों का इस्तेमाल करता है तो उसका वज़ू नहीं टूटता। अलबत्ता अगर कोई इसी वज़ू से, बीड़ी पीकर, गुटखा खाकर इसी वज़ू से अगर नमाज़ पढ़ना चाहता है तो फिर उसको चाहिए कि वो मुंह की अच्छी तरह सफाई कर ले, कुली कर ले, मिसवाक कर ले या पेस्ट और ब्रश से मुंह साफ़ कर ले, उसके जो भी वो सबब इख्तियार करना चाहता है कर ले, लेकिन मुंह को अच्छी तरह साफ़ करने के बाद नमाज़ पढ़े, वरना उसकी नमाज़ मकरूह होगी। क्योंकि बदबू जो होती है इन चीज़ों की, फरिश्ते इसको नापसंद करते हैं, तो नमाज़ मकरूह होगी। आज के लिए इतने सवाल और इसके जवाब काफ़ी हैं। इंशाल्लाह अगले क्लिप में कुछ नए सवालात और उसके जवाबात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। अब इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।